पत्नी और सास पर हमला करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार। सागर के मालथौन में पत्नी और सास पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश किया है। दरअसल में नेहा चढ़ार 25 वर्ष पहले बीना निवासी उत्तम चढ़ार से हुई थी। आपसी लड़ाई झगड़े को लेकर एक वर्ष से पत्नी अपने मायके में रह रही थी और उसके दोनों बच्चे पति के पास रह रहे थे। और जब आरोपी पति पत्नी को लेने आया तो पत्नी ने ससुराल जाने से मना कर दिया, तो गुस्साए पति ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। और जब सास बचाने आई तो सास के ऊपर भी चाकू से वार कर मौके से फरार हो गया। घायल मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सक्रियता दिखाई और घेराबंदी कर अंडेला ग्राम के पास से फरार आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आज न्यायालय में पेश किया है। युवक को गिरफ्तार किया गया है, चाकू से हमला कर पत्नी के ऊपर हमला कर फरार हो गया। जी हाँ, ये कल की घटना थी और आरोपी ने अपनी पत्नी व सास पर चाकू से हमला किया था, जिस पर थाने पर अपराध धारा 307 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और मजरूहों को सागर अस्पताल रवाना किया गया था। और आज आरोपी को ये जो अंडेला गांव है, यहाँ का जो जंगल है, वहाँ पर घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया गया है। उसके पास से एक चाकू भी जब्त किया गया है जिसे उसने वार किया था। और प्रकरण में 307 के साथ में 25 आमसे एक्ट का इजाफा किया गया। आज उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है।